हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। एक क्यूबिक क्रिस्टल की हमको डेंसिटी निकालनी है उसकी एज लेंथ से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं इस तरह से। एक क्यूबिक क्रिस्टल है जिसकी एज लेंथ जो है क्या है, स्मॉल ए है। इसकी एज लेंथ जो है स्मॉल ए पिकोमीटर में है। जो एज लेंथ है वो पिकोमीटर में है। इसकी एज लेंथ क्या है, पिकोमीटर में दिया गया है। तो इस यूनिट सेल का हमको डेंसिटी निकालना है यहाँ पे। तो एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल दिया है स्मॉल ए पिकोमीटर। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू स्मॉल ए पिकोमीटर। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर हम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होगा ये हो जाएगा ए पिकोमीटर और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो यहाँ से ए पिकोमीटर को हम चेंज कर ले रहे हैं सेंटीमीटर में। तो ए इंटू 10^-10 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से हम जैसे इसको लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू 10^-30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम निकल गया तो मास हमको निकालना है। मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो होता है ये होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल का जो फॉर्मूला यहाँ हम यूज करेंगे वो होगा नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम मास ऑफ ईच एटम को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल को जेड से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर स्मॉल एम और जेड से डिनोट करेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल जो होगा, मास ऑफ यूनिट सेल ये हो जाएगा जेड इंटू स्मॉल एम, जेड इंटू स्मॉल एम। अब हमको ये स्मॉल एम की वैल्यू निकालनी होगी। तो मास ऑफ ईच एटम जो होता है, मोल कंसेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं मास ऑफ ईच एटम स्मॉल एम ये होता है एटॉमिक मास कैपिटल एम अपान होता है अवोगाड्रो नंबर एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर है। तो हमको यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल जो है, जैसे स्मॉल एम की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें, जो स्मॉल एम ये निकाले हैं इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो मास ऑफ यूनिट सेल है मिलेगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू जेड और स्मॉल एम के जगह पे हम रख देंगे कैपिटल एम अपान एन ए। एन ए क्या है, यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है। तो हमको वॉल्यूम पता चल गया और मास पता चल गया। देखिए हम लोग वॉल्यूम निकाल चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इधर मास ऑफ यूनिट सेल भी निकाल चुके हैं। मास ऑफ यूनिट सेल जो है, तो मास और वॉल्यूम पता है तो हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल
इसको रो से डिनोट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो है रो इक्वल टू होगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ से हम डेंसिटी निकालें तो रो इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल हम लोग निकाले थे जेड एम अपॉन एन ए और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाले थे ए क्यूब इंटू 10^-30। तो इसको हम निकालेंगे तो यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा जेड एम अपान इसको लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर इंटू 10^-30। तो ये जो डेंसिटी आएगी वो किस में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। और ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, ये फार्मूला तभी यूज करेंगे जब ए किस में लिया हो, ए टेकन इन पीकोमीटर, ए जो है जब पीकोमीटर में होगा तब ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अगर ए को मान लीजिए सेंटीमीटर में, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हो, जैसे ए क्वेश्चन में अगर पीकोमीटर में दिया है तो एज इट इज ए को आपको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इस फॉर्मूले में रख देना है। अगर ए की वैल्यू मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया गया है क्वेश्चन में, इफ़ ए गिवेन इन क्वेश्चन, इफ ए टेकन इन सेंटीमीटर, मान लीजिए ए को अगर हम सेंटीमीटर में दिया हो या क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हो, तब डेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो हम ये यूज करेंगे जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये भी आंसर जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, लेकिन इसमें 10^-30 नहीं होगा। देखिए उस पर जब ए की वैल्यू किस में है, पीकोमीटर में है, पीकोमीटर में है, तो ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं डेंसिटी का। और जब ए की वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये फार्मूला यूज कर रहे हैं जेड एम अपान ए क्यूब इंटू एन ए। अगर मान लीजिए ए की वैल्यू मीटर में दिया हो तब भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, इफ अगर ए की वैल्यू इफ ए इज टेकन इन मीटर, ए इज टेकन इन मीटर, क्वेश्चन में मान लीजिए मीटर में दिया हो, तो उस क्वेश्चन में डेंसिटी का फार्मूला यही होगा जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, लेकिन अब जो डेंसिटी आएगी वो केजी पर मीटर क्यूब में आएगी, केजी पर मीटर क्यूब में आएगी, सॉरी ये माइनस नहीं रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। अब देखिए इस जो डेंसिटी का फार्मूला है, इस डेंसिटी के फार्मूले में जो रो है, रो को हम क्या बोल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जेड की वैल्यू 1 होता है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। जेड की वैल्यू 2 होता है बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल के लिए। और जेड की वैल्यू 4 हम यूज करते हैं किसके लिए, एफसीसी के लिए, सीसीपी के लिए, एचसीपी के लिए, इन तीनों के लिए। फिर एन ए है, एन ए क्या है, अवोगाड्रो नंबर है, एन ए जो है अवोगाड्रो नंबर है, अवोगाड्रो नंबर। और इसकी वैल्यू हम होती है 6.022 × 10^23। और इस फॉर्मूले में देखिए जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम जो है मोलर मास है या एटॉमिक मास है,
कैपिटल एम क्या है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो ये था जो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। आप यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल का हम डेंसिटी जो है निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्यूबिक क्रिस्टल का डेंसिटी जो है निकाला हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस बेल, लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।